तो उसे हम किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से हम इसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से पैराग्राफ के द्वारा बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमने एक पैराग्राफ के द्वारा इसको अलग अलग तरह के फॉर्मेट में बना लिया। बनाने के बाद अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट वर्ड पे बनाते हैं और उसका आप प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल F2 से, तो ये हमें इसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डेटा है वो एक पेज के अंदर में कितना जनरेट कर रहा है, कितना बन रहा है। तो इससे हमें पता लग जाता है नॉर्मल व्यू से भी कि यहाँ पे जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट मोड में आ जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारा पेज एक पेज में कितना आ रहा है और बाकी डाटा दूसरे पेज पे कितना बन रहा है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें प्रिंटिंग का पहले से ही पता चल जाता है। दूसरा ऑप्शन हम यूज करते हैं रीडिंग लेआउट। रीडिंग लेआउट का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रखे उसे हमें रीड करना है, उसको हमें रीड करना है, तो ये हमारा रीडिंग लेआउट मोड हो जाता है, जिसमें कि हम यहाँ पे पेज बाय रीडिंग कर सकते हैं। जैसे पेज फर्स्ट है, पेज सेकंड, और यहाँ पे एक आपका देखेंगे हैंड आ रहा है बनके, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज स्विच हो जाएगा। देन इधर क्लिक करेंगे तो इधर से भी आप अपने पेज को स्विच करके देख सकते हैं और ऑप्शन के द्वारा भी चेंज करके इसे आप व्यू करके देख सकते हैं। तो इसे हम लेआउट को बोलते हैं रीडिंग लेआउट। यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वेब लेआउट पे। वेब लेआउट का मतलब होता है फुल स्क्रीन व्यू। तो इस व्यू में हमें पेज का पता नहीं चल पाता है कि हमने कितने पेजेस पे काम किया है, क्योंकि ये इंटरनेट पेज हो जाता है और वेब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमें डाटा को दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आउटलाइन व्यू की। आउटलाइन व्यू का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग शो करेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने हेडिंग दिया है और इस हेडिंग के नीचे यहाँ पे ये पैराग्राफ साइन शो कर रहा है। ये सेकेंड हेडिंग है तो उसके नीचे शो कर रहा है। तो जिस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को बनाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे सारा कंटेंट दिखा देगा। तो इस तरीके से हम ये पूरा डॉक्यूमेंट इसके ऊपर में व्यू कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं आउटलाइन व्यू, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट या फिर इसे नॉर्मल व्यू भी आप कह सकते हैं। इस व्यू में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा, मतलब कि आपको सिर्फ टेक्स्ट, मतलब जो राइटिंग आपने लिखी है सिर्फ वो ही शो करेगा। अगर आपने कोई फोटो या कोई पिक्चर इसके ऊपर लगाई है तो वो चीज इसके ऊपर शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम 5 डॉक्यूमेंट व्यू का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यूज होता है प्रिंट लेआउट व्यू। तो प्रिंट का हम सबसे ज्यादा वर्क करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।